हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इस फोटो को एडिट करेंगे कुछ इस तरीके से, हल्के से वार्म टोन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं मैं जल्दी से। सबसे पहले हम आएंगे कलर पे। कलर पे आने के बाद मैं इसके वाइट बैलेंस को इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूं ऑटो में रखकर, और इसके वाइट बैलेंस को थोड़ा सा मैं यहाँ पर वार्म लुक की ओर ले जाऊँगा। प्लस 10 कर दिया है मैंने यहाँ पर। इसके वाइब्रेंस को कुछ इस तरीके से हम बढ़ा लेंगे, और सेचुरेशन को यहाँ पर हम -24 कर लेंगे। देन फिर हम जाएंगे लाइट्स पे आने के बाद मैं इसके एक्सपोजर्स को थोड़ा कुछ इस तरीके से बढ़ा लेता हूँ। साथ ही इसके हाइलाइट्स को हम यहाँ पे डाउन करेंगे, शेडोज़ को हम यहाँ पे थोड़ा सा अप करेंगे, वाइट्स को मैं यहाँ पे थोड़ा डाउन करूँगा, और ब्लैक्स को कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम डाउन करेंगे -17। कॉन्ट्रास्ट को मैं यहाँ पे -31 करूँगा। इसके बाद हम आएंगे मिक्स टूल पे। तो मिक्स टूल पे आने के बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑरेंज में। ऑरेंज कलर को कुछ इस तरीके से हमें इसके सेचुरेशन को इस तरीके से माइनस करना है। इसके ल्यूमिनेंस को मैं यहाँ पर थोड़ा बढ़ा लूँगा। येलोज़ को हमें कुछ इस तरीके से ह्यू को डाउन करना है -100, और सेचुरेशन को हमें थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाना है +4। इसके ल्यूमिनेंस को भी हम यहाँ पर थोड़ा सा अप करेंगे, थोड़े सेचुरेशन को हम यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। ग्रीन्स में आने के बाद इसके ह्यू को हमें रखना है -62, और सेचुरेशन को यहाँ पर हम थोड़ा कम कर सकते हैं -25। इसके बाद आते हैं हम ब्लूज़ पे। इसके ह्यू को रखना है -47, सेचुरेशन को -100 कर देना है। एक्वा के सेचुरेशन को भी हम यहाँ पर -100 करेंगे। देन फिर डन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हम आते हैं कलर ग्रेडिंग पे। कलर ग्रेडिंग पे आने के बाद इसके शेडोज़ को हम कुछ इस तरीके से रखेंगे। साथ ही इसके जो ल्यूमिनेंस है, नीचे में ऑप्शन दिया है ल्यूमिनेंस का, इसे हम कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, और इसके सेचुरेशन को कुछ हम इस तरीके से +17 रखेंगे। देन फिर हम आते हैं मिड टोन्स पे। मिड टोन्स पे आने के बाद हमें कुछ इस तरीके के टोन्स लेने हैं, ग्रीन टोन्स, और इसके सेचुरेशन को हमें रखना है +17। साथ ही फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से हमें करके देखना है। इसके ल्यूमिनेंस को मैं यहाँ पर थोड़ा डाउन रखूँगा। देन फिर आएंगे हम हाइलाइट्स पे। हाइलाइट्स पे हमें कुछ इस तरीके के ही टोन्स चाहिए, कुछ येलो टोन्स हल्के से कुछ इस तरीके के, और फिर इसके सेचुरेशन को हमें रखना है +20। इसके साथ ही हम इसके ल्यूमिनेंस को कुछ इस तरीके से बढ़ाएंगे +34। देन फिर हम आएंगे ग्लोबल टोन पे। ग्लोबल टोन पे आने के बाद हमें इसके टोन्स को रखना है कुछ इस तरीके से ऑरेंज टोन्स में, और इसके सेचुरेशन को हमें एडजस्ट करना है +15 के अराउंड कुछ इस तरीके से। साथ ही हम इसके भी ल्यूमिनेंस को एडजस्ट करके देख लेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके ल्यूमिनेंस को हमने बढ़ा लिया है। देन फिर हम यहाँ पे डन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम आते हैं इफ़ेक्ट्स पे। इफ़ेक्ट्स पे आने के बाद जस्ट मैं इसके टेक्सचर को इस तरीके से बढ़ा लूँगा, जिससे क्या है, जो फ़ोटो में थोड़ी सी शार्पनेस आ जाएगी, जो टेक्सचर जो है वो फ़ोटो का बढ़ जाएगा। क्लैरिटी को हमें इस तरीके से पूरा नहीं बढ़ाना है, इसे हम जस्ट +16 के अमाउंट तक बढ़ाए हैं। साथ ही इसमें डेज़ को मैंने थोड़ा सा डाउन कर दिया है। विग्नेटिंग का यूज़ हम इसमें नहीं करेंगे। देन फिर हम आते हैं डिटेल्स पे। डिटेल्स पे आने के बाद इसके नॉइज़ को हम इस तरीके से बढ़ा लेंगे +62। कलर नॉइज़ को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाया मैंने। डिटेल्स को इस तरीके से बढ़ाना है, स्मूथ को भी इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। फिर हम आएंगे नेक्स्ट सेलेक्टिव टूल पे। सेलेक्टिव टूल का यूज़ करेंगे हम लोग इमेज को पॉप करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम इसमें थोड़ा सा विग्नेटिंग लुक लाएंगे, तो इस तरीके से हमें इसे इन्वर्ट करना है। थोड़ा सा हम इस सर्कल को और बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। देन फिर हम इसके एक्सपोजर्स को कुछ ऐसे डाउन करेंगे। तो हम इसके एक्सपोजर्स को डाउन करेंगे कुछ इस तरीके से, और इसके हाइलाइट्स को हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे माइनस कर लेंगे। शेडोज़ जो हैं उसे भी थोड़ा कम कर सकते हैं। फिर हम आएंगे टेम्परेचर पे, इसे -2, और सेचुरेशन को -4 करेंगे। टेक्स्चर को हमें यहाँ पर कम करना है, क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ा लेना है। इसके साथ ही शार्पनेस और नॉइज़ को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। देन फिर राइट पे क्लिक कर देना है। राइट पे क्लिक करने के बाद हमें फिर से जाना है, एक और रेडियल फिल्टर लेना है, कुछ इस तरीके से सर्कल बनाना है, और इस बार हम अपने सब्जेक्ट को पॉप करेंगे कुछ इस तरीके से। उसके एक्सपोजर्स को बढ़ाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है। क्लैरिटी और टेक्स्चर को यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं, साथ ही इसके शार्पनेस और नॉइज़ को भी हमें हल्का हल्का बढ़ा लेना है। इसके साथ सेचुरेशन और टेम्परेचर को हमें इस तरीके से एडजस्ट करना है। आप चाहें तो इसके हाइलाइट्स और शेडोज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे क्या है, इमेज जो है हमारा पॉप हो
ये पूरे फोटो से अलग लगे, थोड़ा सा पॉप हो, ये काफ़ी अच्छे तरीके से बैकग्राउंड से मिक्स ना हो। तो इस तरीके से जो हमारे आई का फोकस है वो सीधे हमारे मेन सब्जेक्ट पे जाएगा। ये बिफोर है और ये आफ्टर है सेलेक्टिव टूल को यूज़ के बाद। फिर हमें यहाँ पे ग्रेडियंट मैप लेना है कुछ इस तरीके से, और इसके एक्सपोजर्स को यहाँ पर हम डाउन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। साथ ही इसके टेक्सचर को मैं यहाँ पे थोड़ा कम करूँगा, क्लैरिटी को बढ़ाऊँगा, शार्पनेस और नॉइस को भी इस तरीके से हम एडजस्ट कर देंगे। तो इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट कर्व टूल पे। कर्व टूल पे आने के बाद जस्ट हम आरजीबी टोन पे जाएंगे। ब्लैक्स को मैंने इस तरीके से अप किया, शेडोज़ को यहाँ तरीके से लॉक, मिड टोन्स को हम थोड़ा सा यहाँ अप करेंगे, हाईलाइट्स को थोड़ा सा अप और वाइट्स को हल्का सा यहाँ पर डाउन करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हम ब्लैक को थोड़ा कम रखेंगे कुछ इस तरीके से। अब हम आएंगे ब्लूज़ पे। यहाँ पर ब्लैक्स में हल्का सा यहाँ पर मैंने ब्लूज़ को अप किया है और हल्का सा यहाँ पर वाइट पे मैंने येलो ऐड किया है कुछ इस तरीके से। अगर हम इसे ज़्यादा डाउन करेंगे तो ये ज़्यादा येलो कलर आ जाएगा, तो इसे मैंने जस्ट हल्का सा डाउन किया है। फिर यहाँ पर हम डन कर देंगे। फिर हम आएंगे शार्पनिंग पे। तो कुछ इस तरीके से हमें इस इमेज को शार्प करना है और मास्किंग को हम इस तरीके से बढ़ा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ तक हमारा शार्प हुआ है इस इमेज में। तो इस एजेस में हमने इस फोटो को शार्प किया है इस एजेस पे। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोटोज़ को शार्प कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पे हिस्टोग्राम में इसके थोड़ा से ब्राइटनेस को बढ़ाऊँगा जाकर। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर थोड़े से इसके जो ब्राइटनेस है उसे बढ़ा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। इसके साथ ही तो फ्रेंड्स हमारी एडिटिंग होती है डन। कुछ इस तरीके से हमने इस फोटो को एडिट किया है, आप देख सकते हैं। यह है बिफोर और यह है आफ्टर। अगर आपको भी ऐसी फ़ोटो की एडिटिंग करनी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ऐसे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए हर मंगलवार और शुक्रवार को लाते रहता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इसे एंजॉय करें।